कांग्रेस अध्यक्ष नी आ वक्त नी चूंटणी में राजकीय कुस्ती नी शक्यताओ छे। आ चूंटणी में G23 ना शशि थरूर अने पृथ्वीराज चौहान पण मैदान में उतरे तेवी अटकळो छे। 22 वर्षो बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद माटे चूंटणी रोचक बनवानी छे। आ पद माटे राहुल गांधी ने समझावानी वातो वच्चे एक थी वधु उम्मीदवारो उतरवानी शक्यता छे। राहुल गांधी ना नहीं मानवानी स्थिति में मल्लिका अर्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, कमलनाथ जेवा चेहरा पण सामे आवानी चर्चा छे। तो शशि थरूरे पार्टी ना अध्यक्ष पद माटे वधुमां वधु उम्मीदवारो मैदान में उतरवुं जोईए तेवो मत पण व्यक्त कर्यो छे। आ चर्चा में वधु एक नाम पृथ्वीराज चौहान नुं पण उमेरायुं छे। आ बन्ने नेताओ कांग्रेस ना संगठन माळखामां फेरफारनी मांगणी करनारा G23 ग्रुपना नेताओमां सामेल छे। कांग्रेस छोड़नारा गुलाम नबी आजाद साथे मंगलवारे भूपेन्द्रसिंह हुड्डा, आनंद शर्मा अने पृथ्वीराज चौहाणे लांबी चर्चा करी हती। गत 3 दशकामां कांग्रेस अध्यक्ष पद माटे 1997 अने 2000 ज वोटिंग थयुं हतुं। 1997 सीताराम केसरी, शरद पवार अने राजेश पायलट मैदानमां हता। आमां सीताराम केसरीए बाजी मारी हती। ત્યારે 2000 વર્ષમાં સોનિયા ગાંધીને જીતેન્દ્ર પ્રસાદે પડકાર ફેંક્યો હતો અને તેઓ હારી ગયા હતા। માનવામાં આવે છે કે રાહુલ ગાંધી ખુદ અથવા તો પછી ગાંધી પરિવારમાંથી કોઈને મેદાનમાં ઉતારશે તો ચૂંટણીને લઈને સંશય હોઈ શકે છે, પરંતુ કોઈ અન્યને ઉતારવામાં આવશે તો કેટલાય અન્ય નેતાઓ પણ તાલ ઠોકશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।